चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है। आवाज आ रही है क्या भाई लोग, प्रॉपरली बताएंगे एक बार, आवाज प्रॉपरली आ रही है क्या मेरी? चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। कैसे है सब लोग, क्या हालचाल, सब बढ़िया? ओके आ जाओ भाई फटाफट से आ जाओ। विल स्टार्ट विद द क्लास। राधे राधे भाई, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, जय श्री श्याम, अस्सलाम वालेकुम। और कुछ बोलना है बता दो, सब बोल देते अपन, सारे भगवान के नाम। ठीक है स्टार्ट करें, कोई बात नहीं, पटेल साहब कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है चलिए। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने एशियन के बारे में पढ़े थे, याद आ रहा है फटाफट से? एशियन के बारे में हमने क्या बोले थे, क्विक रिविजन दूंगा एशियन की। पहला क्वेश्चन, एशियन कब बना था? 1967 में, 8th of August 1967 को क्या बना था? एशियन बना था, 8th of August 1967 को एशियन बना था। फिर उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी उसके अंदर, अगर आपको याद आ रहा होगा कि एशियन में टोटल 11 कंट्रीज मेंबर है। ठीक है ना, कितनी कंट्रीज मेंबर है? 11। फाउंडिंग कंट्रीज की 5 थी, कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, 4 गया हूं। समझ आई बात? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एशियन की हर साल समिट होती है, साल में 2 बार होती है, उसकी अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज है उनके यहाँ पे उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। तो जैसे 2022 में कंबोडिया में हुई थी, ठीक है ना, 2023 में कहाँ पे हुई थी? आपका इंडोनेशिया में, ठीक है ना, और उसके बाद 2024 में कहाँ? लाओस। तो इस तरीके से उसकी 3 समिट्स आपको याद रखनी थी, ठीक है ना। उसके बाद हमने उसके अंदर और एक चीज पढ़े थे कि भैया जो नई कंट्री है ईस्ट टाइमूर करके, ईस्ट टाइमूर जो है उसके अंदर क्या हुई है? ऐड हुई है। पहले उसके अंदर 10 कंट्रीज हुआ करती थी, अब उसके अंदर ईस्ट टाइमूर भी क्या हो गई है? ऐड हो गई है। क्लियर? चलिए यहां तक हमने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों से डिस्कशन किया था, सारी बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर यहां तक पढ़े थे, ठीक है ना। नाउ वी आर स्टार्टिंग वन ऑफ दी अगेन सेम चीज, ब्रिक्स। किसकी बात करूं मैं अगर? ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स क्या है? अगेन एक न्यू चीज ब्रिक्स, ठीक है ना। तो आ जाओ फटाफट से ब्रिक्स स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई एजे सर को खिला दिया हमने कल, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ भाई। साल में 2 बार होती है तो अलग अलग क्यों बेटा? अलग अलग नहीं, साल में 2 बार होती है एक ही कंट्री के अंदर, और 2 इसलिए होती है क्योंकि दोनों के अंदर सारी एक मीटिंग में सारे डिस्कशन नहीं हो पाते, इसलिए 2 बार मीटिंग होती है। क्लियर? चले आगे स्टार्ट करें। चलिए अब अगेन ये भी एक ग्रुप ही है, जैसे वो ग्रुप था आपका एशियन ग्रुप था, साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सॉरी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में जो नेशन आती है उनका एक ग्रुप था। वैसे ही एक ग्रुप बनाया गया जो ग्रुप इन 5 कंट्रीज ने मिला के बनाया, ये 5 दोस्त, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया। यानी ब्राजील, रशिया, साउथ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, BRICS, ब्रिक्स। अगेन ये 5 कंट्रीज ने मिलकर भी अपना एक क्या बनाया? ग्रुप बनाया, जिसको नाम दिया गया ब्रिक्स। जैसे वहां पे एक ग्रुप बनाया एशियन जो साउथ ईस्ट एशिया ने मिलकर बनाया, वैसे ही ये कंट्री ने भी, ये 5 कंट्रीज ने भी मिलकर क्या बनाया? अपना ग्रुप बनाया। सर क्यों बनाया? अगेन एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करने के लिए, एक दूसरे के साथ कल्चर शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ धंधा करने के लिए, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। तो जैसे वो ग्रुप बना वैसे ये ग्रुप बनाया गया, ऑब्जेक्टिव्स घुमा फिरा के कहीं ना कहीं सेम है। जनरली जब ग्रुप बनाए जाते हैं कंट्रीज के, या जैसे दोस्तों के ग्रुप हम बात कर रहे थे, जैसे कंट्रीज के ग्रुप बनाए जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स उनका भी सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। बट जैसे यहाँ पे 5 अलग कंट्रीज है, इनने अपना एक ग्रुप बना लिया। जैसे आपके स्कूल के दोस्त अलग होते थे, कॉलेज के दोस्त अलग होते थे, सबके अलग अलग ग्रुप होते थे, तो वो साउथ ईस्ट एशिया वाले का अलग ग्रुप, ब्रिक्स ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया ब्राजील, क्योंकि ये 5 जो कंट्रीज है ये वर्ल्ड की अभी, यानी एक्चुअली ये 5 कंट्रीज ही क्यों आई इसके अंदर, तो आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर ये कंट्रीज को आप बोल सकते हैं कि जो बहुत फास्टली ग्रोइंग कंट्रीज है, मतलब ये 5 कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर बहुत फास्टली ग्रोइंग है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। तो इन लोगों ने मिलकर अपने क्या बना दिया? ग्रुप फॉर्म कर दिया। समझ मेरी बात? क्या फॉर्म कर दिया? ग्रुप फॉर्म कर दिया। अब दिमाग में डाउट आता है कि सर ये ब्रिक बना कब? इन 5 कंट्रीज ने मिलकर तो बना दिया, ठीक है ना। डाउट्स जब मैं ये कंप्लीट करूं इस पार्ट को, तब मैं डाउट देखूंगा, उसके पहले चैट में कोई डाउट ना डाला जाए, आई रिक्वेस्ट, ठीक है ना। एक एक पॉइंट कंप्लीट करते हैं, डाउट्स लेते हैं, तो ज्यादा डाउट्स भी क्लियरली समझ में आएंगे। बीच बीच में बच्चे डाउट डालते रहते हैं, तो वो डाउट इग्नोर करता हूं मैं, देखता नहीं, ठीक है ना। चलिए अब ये ब्रिक्स कब बना? जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स कब बना, दिमाग में डाउट आता है।
ये ब्रिक्स कब बना, ठीक है ना, कोई बता सकता है ब्रिक्स कब बना? और ये ब्रिक्स बनाने के पीछे इंटेंशन भी ये था ये बना बेसिकली, ध्यान से सुनना, 2009 में कब फॉर्म्ड हुआ ये, 2009 में बेसिकली 2006 में मीटिंग हुई थी एक, ठीक है ना, बेसिकली 2006 में एक मीटिंग हुई थी ब्राजील, मतलब अगर आपको बताऊं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इसके इनकी मीटिंग हुई थी चारों की, साउथ अफ्रीका तब पार्ट नहीं था इसका, इन चारों की मीटिंग हुई थी 2006 में। लेकिन बेसिकली अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूँ तो ब्रिक्स जो फॉर्म्ड हुआ है वो 2009 में फॉर्म्ड हुआ है, तो पेपर में भी अगर आपका आता है तो ब्रिक्स जो फॉर्म्ड हुआ है वो 2009 में क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है, यही आपको याद रखना है। 6 में एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, यानी ब्राजील का एक फॉरेन मिनिस्टर, रशिया का एक फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया का एक फॉरेन मिनिस्टर, चाइना का एक फॉरेन मिनिस्टर, इनकी मीटिंग हुई थी, बट ये प्रॉपरली जो फॉर्म्ड हुआ है ये 2009 में क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है। और अगेन यहाँ पे भी हर साल क्या होती है, समिट होती है, यानी 2009 से इसमें समिट चल रही है, ठीक है ना, 2009 से इसमें क्या चल रही है, समिट चल रही है। सेम 2000 जैसे एशियन में समिट होती है वैसे इसमें भी समिट होती है, तो 2009 से इसमें क्या चल रही है, समिट हो रही है। तो सर समिट में होता क्या है, अगेन समिट मतलब क्या, वो जो ग्रुप बनाया जा रहा है उस ग्रुप के, वो ग्रुप जो बन, बेसिकली ये इसका बनाने का इंटेंशन आप समझो, बेसिकली ये पांच कंट्रीज ने अपना हाथ क्यों मिलाया और ये पांच कंट्रीज साथ में क्यों आई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 2050 तक ये पांच कंट्रीज वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। मतलब ये पांच कंट्रीज ने अपना ग्रुप क्यों फॉर्म किया, तो बेसिकली जो अमेरिका वालों की मोनोपोली है, ठीक है ना, अमेरिका वाले अपनी मोनोपोली जो चलाते हैं वर्ल्ड के अंदर, आप देखते होंगे अमेरिका में बहुत बड़ी मोनोपोली चलती है वर्ल्ड की, ठीक है ना, वर्ल्ड 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 के अंदर अमेरिका वाले अपना राज चलाते हैं, हर चीज में डॉलर बीच में लेके आ जाते हैं, हर चीज में अमेरिका की चीजें सुननी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर है आज की तारीख में, सबसे पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में। तो बेसिकली उसका जो पावर है उसको थोड़ा कम करने के लिए, या आप बोल सकते हो 2050 तक, एक्चुअली वो आपके पेपर में नहीं आएगा बट आपको नॉलेज के बता रहा हूँ, 2050 तक ये इकोनॉमीज जो है ये वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत फास्टली ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इन लोगों ने सोचा कि हम चलो साथ में आ जाते, हम दोस्त बन जाते, हम तो ग्रो करने वाले हैं तो साथ में करेंगे तो ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ ज्यादा काम करेंगे। अब अगर मैं इंडिया चाइना को थोड़ा सा उनके रिलेशन में प्रॉब्लम है उनको छोड़ दूं, तो इंडिया रशिया बहुत बढ़िया साथ में काम करता है, इंडिया साउथ अफ्रीका बहुत काम करते हैं, इंडिया ब्राजील बहुत अच्छा काम करते हैं साथ में। हाँ, इंडिया चाइना के बीच में थोड़ा सा अनबन चलते रहता है, वो एक अलग पॉइंट है, बट बेसिकली ये कंट्रीज मिलकर अच्छा कैसा क्या करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। तो इसकी भी हर साल क्या होती है, समिट होती है, समिट मतलब मीटिंग होती है। अगेन वो समिट में ये पांचों कंट्रीज के क्या करते हैं, लोग आते हैं, हेड्स, लोग मतलब हेड्स आते हैं, जैसे इंडिया के हेड हो गए अपने मोदी जी, रशिया का हेड हो गया पुतिन, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका हेड, चाइना का हेड और ब्राजील का हेड, ये पांचों मिलते हैं हर साल में एक बार। ब्रिक्स की समिट साल में एक बार होती है, सिर्फ एशियन ही जो है उसकी समिट साल में दो बार होती है, बट बाकी सबकी समिट जो है वो साल में एक ही बार होती है। तो ब्रिक्स की समिट भी साल में क्या होती है, एक ही बार होती है। और वो मीटिंग में, समिट में ये लोग डिसाइड करते हैं आने वाले साल का एजेंडा, कि हम आने वाले साल में मिलके किस किस मैटर्स पे काम करेंगे, कौन कौन से मैटर्स पे हम लोग मिलके काम करेंगे, तो वो सब डिसाइड करते हैं, वो सब चीजें फाइनलाइज करते हैं। मतलब समिट में बेसिकली यही होता है कि जब वो पांचों कंट्रीज के हेड्स आके बैठते हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ मिलके कौन सा काम कर सकते हैं, आने वाले साल में हम एक दूसरे के साथ मिलके क्या क्या चीजें नई वाली कर सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो सब चीजें उसमें क्या करी जाती है, डिस्कस करी जाती है। समझ में आ रही बात? तो 2009 में ये चालू हुआ था, 2009 में इसकी पहली क्या हुई थी, मतलब मीटिंग हुई थी, 2009 में इसकी पहली क्या हुई थी, मीटिंग होना चालू हुई थी। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो उसके बाद से इंडिया में अभी तक, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सबसे पहले 2012 में समिट हुई थी, फिर उसके बाद इंडिया में 2016 में भी इसकी एक समिट हुई, और उसके बाद अभी रिसेंट में इंडिया में 2021 में भी इसकी समिट हुई थी, है ना, अभी तक इसकी तीन समिट्स इंडिया में हो चुकी है। सबसे पहले 2012 में इसकी समिट हुई थी इंडिया में, है ना, इंडिया में तीन समिट्स हो चुकी है। सबसे पहले तो वैसे रशिया में हुई थी अगर मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना। तो सिंस 2009 द ब्रिक्स लीडर्स हैव कन्वेंट 14 मीटिंग्स एंड 9 इनफॉर्मल मीटिंग, टोटल मिला के अलग अलग मीटिंग्स हुई है। तो 2016 में इंडिया में उसकी एक मीटिंग हुई थी जो कि गोवा में हुई थी, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ ना तो कहाँ पे हुई थी इनकी मीटिंग, गोवा में हुई थी। 8 समिट था वो ब्रिक्स का, ठीक है ना, सबसे पहला 2009 में रशिया में हुआ था,
उसके बाद 8 समिट था ये, तो सबसे इंडिया में हुआ था 2012 में, 16 में, और अभी 2021 में रिसेंट, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, समझ में आ रही बात। 2012 में गोवा में हुआ था, और अभी 21 में आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। 21 में आपका कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन, फर्स्ट समिट इसका जो हुआ था, ये पॉइंट लिखते चलो हाईलाइट वाले, फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स कहाँ पे हुआ था? इन रशिया। फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक कहाँ पे हुआ था भाई? रशिया में हुआ। उसके बाद फिर हर कंट्री में अलग अलग कंट्री, उसके बाद हर कंट्री में क्या होते गए? समिट्स होते गए, अलग 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 समिट जो है वो हर कंट्री में उसके बाद होते गए। क्लियर? चलिए, हर साल अलग 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 कंट्री जो उसकी मेंबर कंट्रीज है वहां पे क्या होते रहते, उसके समिट होते रहते। क्लियर? अब इसके अंदर तो ये लोग समिट के अंदर अलग अलग चीजों से रिलेटेड बात करते हैं, एनर्जी से रिलेटेड, ट्रेड, बैंकिंग, ये लोग अलग अलग चीजों से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, अलग अलग चीजों से रिलेटेड लोग क्या करते रहते हैं? बातें करते रहते। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट्स मैंने आपको बोल दिया है कि मैं पहले किस्ता कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं। बेटा 2012 में भी न्यू दिल्ली में हुई थी, किसी को ये बाद में डाउट आ रहा है बार बार, तो समिट 2012 में भी न्यू दिल्ली में हुई थी, यहाँ पे इंडिया में आई थी गोवा में, और 2021 में न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अब ब्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ब्रिंगिंग टुगेदर द मेजर इकोनॉमीज फ्रॉम द वर्ल्ड, 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 41% पॉपुलेशन ये पांच कंट्रीज को बिलोंग करती है। पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग रहते होंगे तो उसमें से 41 लोग तो सिर्फ ये पांच कंट्रीज में रहते हैं, उसको कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड की 41% पॉपुलेशन वो कहां पे है? ये पांच कंट्रीज में, यानी वर्ल्ड का मेजर पॉपुलेशन तो यहीं पे है, यानी वर्ल्ड में इतने सारे देश है उनमें से पांच ही कंट्री ये ऐसी है जिनमें पूरे वर्ल्ड की 41% पॉपुलेशन कवर होगी, इंडिया और चाइना उसमें आ गया, बात ही खत्म होगी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है, सबसे ज्यादा इंडिया में आज की तारीख में, और उसके बाद चाइना में, तो 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये पांच कंट्रीज में। उसके बाद जो वर्ल्ड जीडीपी है, वर्ल्ड का जीडीपी है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसका 24% ये पांच कंट्रीज, यानी वर्ल्ड का जीडीपी अगर 100 का है तो जीडीपी मतलब आप समझो प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करना वो सब होता है, तो वर्ल्ड में अगर 100 रुपए का प्रोडक्शन होता होगा तो उसमें से 24 तो यहीं को बिलोंग करता है। उसके बाद वर्ल्ड में अगर 100 रुपए का ट्रेड होता होगा तो उसमें से 16% ट्रेड यहाँ पे होता है। ये तीन चीजें याद रखनी आपको, ध्यान से, ये जो पांच इकोनॉमीज है ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 41% पॉपुलेशन ये पांच कंट्रीज का पार्ट है। उसके बाद वर्ल्ड जीडीपी का 24% सिर्फ ये पांच इकोनॉमीज का है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी का जो ट्रेड है मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, माल बेचते और खरीदते, जो वर्ल्ड में माल बेचा और खरीदा जाता है, एक कंट्री दूसरे को माल बेचती है, दूसरी तीसरे को माल बेचती है, तो ये माल खरीदी बेची होती है। वर्ल्ड में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो बाइंग एंड सेलिंग अगर पूरे वर्ल्ड में 100 की होती होंगी तो उसमें से 16 की, उसमें से 16 की ट्रेडिंग सिर्फ ये पांच कंट्रीज में, तो दैट इज कॉल्ड 16% ऑफ द शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी एंड 16% इन द वर्ल्ड ट्रेड, ये सिर्फ पांच कंट्रीज के पास। और आप ये बोल सकते हो कि ब्रिक कंट्रीज हैव बीन द मेन इंजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ये पांच कंट्रीज मेन है, इंजन है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का, यानी वर्ल्ड में जो ग्रोथ हो रही है इसमें ये पांच इकोनॉमीज का बहुत बड़ा क्या है? इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिक्स कम टुगेदर टू डिलीवरेट इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर थ्री पिलर्स, मतलब पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड कल्चर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज। बेसिकली क्या मतलब है, ये लोग इतने सालों में ये तीन मैटर्स के ऊपर ये लोगों ने काफी डिस्कशन किया है, ये तीन मैटर्स में इन लोगों ने काफी आगे बढ़े हैं। एक तो पॉलिटिकल मैटर्स और सिक्योरिटी वाला जो मैटर होता है, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी मैटर्स में ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड मैटर, इकोनॉमी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड मैटर, पहला पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इनका जो मेन इंटेंशन है बनाने का, ये तीन पिलर्स के ऊपर ब्रिक्स टिका हुआ है। तीन पिलर्स के ऊपर ब्रिक्स टिका हुआ है मतलब ये तीन चीजों के ऊपर ब्रिक्स मिलकर हमेशा काम करती है, पांच कंट्रीज मिलकर काम करती है। एक तो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, यानी कभी कभी लड़ने की बारी आ गई तो ये पांचों कंट्री एक साथ खड़ी हो जाएगी, कोई और कंट्री अगर हमसे लड़ने आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, मतलब हम क्या करते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया रशिया से बंदूकें लेता है, इंडिया रशिया से बंदूकें लेता है इतनी,
गोला बारूद लेता है, इंडिया वर्ल्ड के अंदर रशिया को और बाकी साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा। हाँ सर, चाइना के छोड़ दू अगर मैं, तो इंडिया ब्राजील रशिया साउथ अफ्रीका सभी को सपोर्ट करता है, और इवन रशिया भी हमको सपोर्ट करता है, साउथ अफ्रीका भी हमको सपोर्ट करता है, या साथ में कल्चर और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, हम एक दूसरे का कल्चर भी शेयर करते हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज मतलब उनकी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री के लोग उनमें जा उनकी कंट्री में जाके काम करते हैं, तो हम एक दूसरे की कंट्री में के लोग एक दूसरे की कंट्री में आके काम करते हैं, उसको कहा जाता है पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो ये तीन मैटर्स में ये लोग मिलके क्या करते हैं, बहुत डिटेल में काम करते हैं। समझ मेरी बात क्लियर? जितना मार्क कर रहा हूं उतना याद रखना, फालतू की चीज याद नहीं रखना, बाकी लिखा हुआ बहुत रहता है लेकिन याद उतना ही रखना जितना बताता हूं, नहीं तो आप लोग पूरे कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, ठीक है ना। अब जैसे यहां देखो आप, यहां देखो आप, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे पूरा भाषण लिख के दिया हुआ है, इतना याद करना ही नहीं है। क्या याद करना है? 13th मीटिंग ब्रिक की हुई थी कहाँ पे? 2021 में इंडिया में हुई थी, 2012 और उसमें तो ऑलरेडी इंडिया में हो चुकी है, तो 21 में भी इंडिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंडिया में, न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना। और उसके बाद 14th मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? चाइना में। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, इसमें भी नाम के हिसाब से चलता है। जैसे देखो बी आर आई टी एस, ठीक है, और इसकी समिट देखो कैसे हुई है, इसके नाम के अकॉर्डिंग होती है। जैसे 2020-21 में इंडिया में हुई थी समिट, इंडिया के बाद गारंटीड है कि कहाँ पे हुई होंगी, 2022 में चाइना में, 2023 में कहाँ पे हुई होंगी, साउथ अफ्रीका में। इनके नाम के अकॉर्डिंगली बी आर आई सी एस, इनके नाम के अकॉर्डिंगली चलता है। तो जैसे 2020-21 में इंडिया में हुई थी तो ये गारंटीड है कि 2022 में कहाँ पे होंगी, चाइना में हुई, 2023 में कहाँ पे हुई होंगी, साउथ अफ्रीका में हुई। इनके पेपर में भूल गए तो आपको ये बता रहा हूँ तरीका। 24 में कहाँ पे हुई होंगी, ब्राजील में होंगी। 25 में कहाँ पे होंगी, रशिया में होंगी। जनरली ये पैटर्न फॉलो होता है, जनरली यही पैटर्न क्या होता है, फॉलो होता है। तो आपको एटलीस्ट ये तो याद रखना है चार, इसके चार समिट के नाम, क्यों? क्योंकि 24 अभी चल रहा है, 21 में इंडिया में हुई थी इसलिए इंडिया याद रखना बहुत जरूरी है, और 22 चाइना और साउथ अफ्रीका वो भी याद रखेंगे। तो 2022 में पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन 2021 कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली इंडिया। 2022 में कहाँ पे हुई, चाइना। 2023 में कहाँ पे हुई, साउथ अफ्रीका। 2024 में कहाँ पे होंगी, ब्राजील। इस तरीके से इतना आपको याद रखना। अब ये याद रखने का टेक्निक भी आपको मैंने बताया, इनके नाम के अकॉर्डिंग लिख चलता है बी आर आई सी एस, इसके हिसाब से इस तरीके से ये मीटिंग्स क्या होती है, चलती जाती है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अब 2021 की मीटिंग तो पुरानी हो चुकी है कि हम 2024 में आके खड़े हैं। 2021 की मीटिंग तो बहुत पुरानी हो चुकी है तो क्यों हम 2024 में आके खड़े, ठीक है ना। लेकिन वो याद इसलिए रखना थोड़ी जरूरी हो जा रहा है क्योंकि वो इंडिया में हुई थी। फिर उसके बाद 2022 का चाइना में लिखा हुआ है। अब देखो हर एक मीटिंग का है ना एक एजेंडा होता है, हर एक मीटिंग की एक थीम होती है, उसको कहा जाता है एजेंडा, कि वो जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या बातचीत करेंगे। जैसे 2021 में इंडिया में मीटिंग हुई थी, तो 2021 में जब इंडिया में मीटिंग हुई तो उसमें क्या मेन डिस्कशन रखा गया, मेन थीम मतलब मेन एजेंडा क्या था उसका। तो उसका एजेंडा था ब्रिक्स एट 15 इंट्रा, क्योंकि ब्रिक 15 साल का हो चुका था, सॉरी नॉट 15 साल, माय मिस्टेक, इंट्रा ब्रिक कोऑपरेशन कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। वैसे देखा जाए तो ब्रिक्स 2006 से ही चालू है, बोला जाता है 2009 से, लेकिन वैसे चालू तो 2006 से ही है, ठीक है ना। तो उसका थीम था इंट्रा ब्रिक कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, मतलब इंट्रा ब्रिक कोऑपरेशन मतलब ब्रिक कंट्रीज एक दूसरे को क्या करे, कोऑपरेट करे ताकि हम आगे तक चलते चले, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें ताकि हम आगे तक चलते चले। फिर उसके बाद वही 10 ऐसी दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जो 2014 में समिट हुई, सॉरी 2022 में 22 में जो समिट हुई, इसमें फूस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक पार्टनरशिप और न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। जब चाइना में समिट हुई तो उसका थीम रखा गया था किसको बढ़ावा दो, ब्रिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दो, एक दूसरे के साथ काम ज्यादा करो तभी हमारी पार्टनरशिप स्ट्रांग होंगी और नया एरा जो चालू हो रहा है ग्लोबल डेवलपमेंट का, ठीक है ना, उसके ऊपर काम करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फिर 2015 में जो समिट है वो कहाँ पे हुई, 2023 में जो समिट हुई वो कहाँ पे हुई, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। देखो नाम के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे चाइना के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे 2023 में कहाँ पे हुई, साउथ अफ्रीका। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने, मीटिंग ये पूछ सकते हैं, क्लियर क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 की मीटिंग कहाँ पे हुई, 2022 की मीटिंग कहाँ पे हुई, 2021 में मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि ब्रिक जो है उसके अंदर ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला
अगर पेपर में क्वेश्चन आएंगे ब्रिक्स से तो वो यहीं से आएंगे कि वर्ल्ड का 41% पॉपुलेशन इनके साथ काम करता, वर्ल्ड का 41% पॉपुलेशन बिलोंग करता है एक कंट्रीज को, 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी और 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड में इनका क्या है शेयर, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। फिर उनके थ्री पिलर्स जो है वो आपको याद रखना है कि पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी में काम करते हैं एक साथ, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल में काम करते हैं एक साथ, कल्चर और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के लिए काम करते हैं एक साथ, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें आती है। क्लियर, डन यहां तक है तो। बट ऑब्वियस सी बात है ना, 5-5 साल में एक बार नंबर आएगा ना इंडिया का, कॉमन सेंस की बात है यार वो तो, क्योंकि हर कंट्री में एक एक साल हो रही है, तो बट ऑब्वियस सी बात है 5-5 साल में इंडिया का नंबर आएगा। हर कंट्री में एक एक साल में क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, ठीक है। पूछ लो अभी, कोई भी डाउट पूछना है इसके अंदर तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना ही जितना मार्क किया उतना ही याद रखना है, उसके अलावा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप भलते लेवल पे चले जाओगे। अब जैसे आप बोलोगे कि सर ये यहाँ पे दिया हुआ है सर, तो ये भाई साहब भाषण दिया हुआ है पूरा लिख के, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये भाषण दिया हुआ है जो मोदी साहब ने दिए थे, नीचे दिख रहा है, जब 2021 में हुआ था ब्रिक तो उनसे रिलेटेड मोदी साहब ने क्या भाषण दिए थे वो यहाँ पे लिख के दिया। तो इफ यू वॉन्ट आप पढ़ सकते हो, रीड करना है शौक के लिए रीड कर सकते हो, पेपर में तो ना पूछेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनते उसमें से, समझ मेरी बात। इसलिए जो मेन पॉइंटर थे वो याद रखो, नहीं तो इतने तो याद रखना आपके लिए दुविधाजनक हो जाएंगे। क्लियर, थीम देखो, अगर मैं बोलू ना तो थीम याद रही तो बहुत अच्छा, नहीं रही तो मतलब थीम याद रख लो मेरे हिसाब से, मैं भी बोलता हूँ थीम याद रही तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक खानदी बार हो सकता है कि थीम पूछ ले आपको, बोलो हाँ तो हो सकता है मधुकर ऋतिक चेंज हुआ होगा अभी, ठीक है ना, मैं एक बार चेक करवा देता, तो हो सकता है कि कुछ कारणवश चेंज हुआ होगा मधुकर ऋतिक, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी। देखो कई बार ये होता है कि कभी कभी चेंज हो जाता है, जैसे अभी कोई बोल रहा है 2024 का हमारे को दिया नहीं है, ठीक है ना, बच्चा बोल रहा है कि 2024 में, हो सकता है, ठीक है। रशिया में हुआ है, नाम के हिसाब से नहीं हुआ है, ब्राजील में कुछ इश्यूज की वजह से शायद नहीं हो पा रहा है, 2024 में रशिया हुआ है, ऐसा हो सकता है। जनरली उनके नाम के हिसाब से वो लोग चलते हैं, बट जैसे कोई कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके बाद वो लोग फिर क्या करते हैं, उस कंट्री में नहीं रखते। जैसे हमारे को 21, 22, 23 याद रखना है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 24 का एक काम करो, रशिया ही कर लो, ठीक है, तो याद करने के लिए मैंने रशिया में होने वाला है 24 में, बट उसके बारे में अभी आप डिटेल आने की नहीं, ईयर के साथ, हाँ ये याद रखना है, जैसे 2021 में ईयर में कहाँ पे हुआ था, 22 में ईयर में कहाँ पे हुआ था, 23 में ईयर में कहाँ हुआ था, ये याद रखना है। इन सब समिट में जो हमारी कंट्री के हेड है, जैसे मोदी जी हमारी कंट्री के हेड है वो जाते हैं, और उनके साथ साथ जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जाते हैं, तो बेसिकली दो लोग जनरली रहते ही है, एक तो हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री, दूसरे एक्सटर्नल मिनिस्टर। हाँ नए मेंबर आने वाले ब्रिक्स के अंदर, नए मेंबर्स को वेलकम किया, बट उससे रिलेटेड कंफर्म न्यूज अभी आने की है, न्यूज तो आ गई है, यानी अगर मैं आपको बताऊँ ना तो जो ब्रिक्स है उसके अंदर अभी जैसे 5 कंट्रीज आपको दिख रही है ना, उसके अंदर और भी कंट्रीज अभी ऐड हुई है, जैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये भी ब्रिक्स के अंदर ऐड हुए, बट इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आने की है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता देता हूँ, बट इसके ऊपर डिटेल अभी अपने इंस्टीट्यूट ने डाली नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, बट आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि न्यू मेंबर एडेड इन ब्रिक्स, तो ये जो ब्रिक के अंदर अभी तक 5 कंट्रीज थी, अब इस साल क्या हो रहा है 2024 में,
इनके साथ पांच कंट्रीज के साथ साथ और भी कंट्रीज इसके अंदर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है ना। तो उसके अंदर और न्यू कंट्रीज जो ऐड हुई है उसमें पहला नाम है इजिप्ट का, दूसरा नाम है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नाम है ईरान का, ठीक है ना। चौथा नाम है इथोपिया का, और पांचवा इसके अंदर नाम है सऊदी अरेबिया का। तो अभी अब इसके अंदर 10 कंट्रीज मेंबर हो रही है। बेसिकली अभी तक क्या था, इसके अंदर पांच कंट्रीज ही मेंबर थी, ठीक है ना। इतने साल से पांच कंट्रीज इसकी मेंबर थी, बट अभी आप बोल सकते हो कि आपके मे एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट है पॉइंट, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं, लेकिन एक महीने बाद दे ही देगा वो, तो आपके पेपर के लिए रिलेवेंट है कि इसमें आप पांच कंट्रीज और मेंबर बन गई, तो टोटल आप 10 कंट्रीज मेंबर हो गई। तो पहले पांच कंट्री मेंबर थी, अब और पांच जुड़ गई है, तो ये न्यू फाइव मेंबर कंट्रीज इसमें ऐड हुई है। एक तो इजिप्ट ऐड हुआ है, यूएई ऐड हुआ है, ईरान ऐड हुआ है, इथोपिया ऐड हुआ है, और सऊदी अरेबिया ऐड हुआ है। तो दिस इज द न्यू मेंबर्स जो ब्रिक्स के अंदर क्या हुए है, अभी ऐड हुए, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी चीज है बेटा। प्राइवेट कंपनीज बेटा, मतलब जो प्राइवेट, जैसे आपने क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा है क्या, चेताली? प्राइवेट सेक्टर में मतलब पब्लिक कंपनी भी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आ गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आ गई, और प्राइवेट कंपनी मतलब ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। यहाँ पे जो दोस्त भाई मिलकर कंपनीज बनाते हैं उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहा जाता है, जहाँ पे पब्लिक से पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है ना। जैसे चार पांच घर के लोग हैं, या दस बारह घर के लोग हैं, या दोस्त भाई है पांच सात, ठीक है ना, वही मिलकर वहां पे काम करते, जनरल पब्लिक से उसमें शेयर पैसा नहीं लिया जाता। क्लियर? कोई डाउट है पूछ लो। ये पांच कंट्रीज और ऐड हुई है, इसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी है नहीं, बट ये पांच कंट्रीज और ऐड हुई है ब्रिक्स के अंदर, और 2024 में ये ऐड हुई है, ठीक है ना। और ये कब से ऐड हुई है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2024। तो 1st of January 2024 तक से ये कंट्रीज इसके अंदर क्या हुई है, ऐड हुई है। क्लियर? हाँ मेघनाथ देवाले, जो भी नाम है आपका, बिल्कुल बेटा, ईयर के साथ याद रखना। क्लियर? इसके बाद आता है सार्क, शाक नहीं, सार्क। अब वैसे देखा जाए ना, ये भी एक ग्रुप है, बट आज की तारीख में ये ग्रुप की इज्जत ही नहीं है। वैसे देखा जाए ना तो ये भी एक ग्रुप है, बट ये ग्रुप की आज की तारीख में इज्जत ही नहीं है मार्केट में, ऑनेस्टली, क्योंकि इसके अंदर की जो आधी कंट्रीज है वो बर्बाद हो चुकी, ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी, इस ग्रुप के अंदर की आधी कंट्रीज ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी। तो अब ये ग्रुप का कोई पर्पज ही नहीं रहा। एक टाइम पे बहुत इज्जत थी ग्रुप की, इवन मैंने खुद ने ये ग्रुप की एक कल्चरल जो कल्चरल मीटिंग्स होती है उसमें पार्ट लिया है, फेंक नहीं रहा बताता हूँ। ये भी एक ग्रुप है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन नाम में मतलब है क्या, कि जो वर्ल्ड के अंदर साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज है, साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज है, साउथ एशिया, साउथ एशियन का मतलब हो गया साउथ एशिया वाला जो पार्ट है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना, उसमें जो कंट्रीज है उनका मिला के ये क्या बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया। जैसे हमने एशियन पढ़े, तो एशियन जो हमने पढ़े वो एशियन बेसिकली साउथ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, साउथ ईस्ट कंट्रीज जो है, वो साउथ ईस्ट कंट्रीज का मिला के एक ग्रुप है, वो है एशियन है, जो हमने पढ़े एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एशिया के अंदर जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट बोले तो दक्षिण पूर्व हिंदी में, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पे जो कंट्रीज है उनका एशियन ग्रुप है। वैसे ही जो एशिया के अंदर साउथ एशिया वाला पार्ट है, एशिया के अंदर जो साउथ एशिया वाला पार्ट है उसके अंदर ये कंट्रीज आती है, ठीक है ना। इन्होंने अपना मिलकर एक ग्रुप बनाया, उसको नाम दिया गया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये एस्टैब्लिश हुआ था सार्क चार्टर साइन करके 1985 में, मतलब ये कब बना था, सार्क चार्टर मतलब इनका डिक्लेरेशन साइन हुआ था 1985 में, डेट याद रखना। सार्क वॉज फॉर्मड इन 1985, और इसके अंदर आठ कंट्रीज की आज की तारीख में मेंबर। ये बना कब, 1985 में। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपने IMF पढ़े, IMF कब बना, 1944 में। फिर आपने पढ़े एशियन कब बना, 1967 में। फिर आपने पढ़े ब्रिक्स 2009 में। फिर आप पढ़ रहे हो सार्क 1985 में। ये डेट्स याद रखनी है सारी, ठीक है ना। और इसके अंदर कितने मेंबर कंट्रीज आज की तारीख में, आठ। उसके अंदर आती है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका,
इंडिया को अगर मैं छोड़ दूं जो सबसे डेवलप्ड देश के अंदर से, ठीक है, इंडिया को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी अफगानिस्तान तालिबान के पास चले गए, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू बर्बाद, श्रीलंका फुल्ली बर्बाद, पाकिस्तान ऑलवेज बर्बाद, मालदीव खुद के हाथ से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा, ठीक है ना, अच्छा भला हुआ करता था। नेपाल छोटी कंट्री है, गुड कंट्री, नेपाल इज अ स्मॉल कंट्री बट अ गुड कंट्री, ठीक है ना। इंडिया भूटान इज ऑल्सो गुड कंट्री, ये कंट्रीज अभी इसके अंदर बची है। बांग्लादेश भी मतलब अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां पे भी वो दिक्कतें है ही। तो अगर आप देखोगे ना 50% कंट्री तो इसमें तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। तो ये ग्रुप का कोई पर्पज ही नहीं रहा ऑनेस्टली। बनाया तो गया था एक टाइम में, बहुत बढ़िया जाता था। इन 2011 आई रिमेम्बर क्या हुआ था कि जो सार्क कंट्रीज की सीएस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सीएस स्टूडेंट्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2011 में, सीएस स्टूडेंट्स की 11 में थी, सीएस स्टूडेंट्स की हमारे सिटी में हुई थी, जिसके अंदर ये सार्क कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स है जो सीए कर रहे हैं वो लोग आए थे, सीएसीएस वाले जो लोग थे वो आए थे और वो बच्चे आए थे। इवन मेरी फोटोज भी उनके साथ, तो मैंने खुद में इसकी कल्चरल जो मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें सार्क के लोग आए थे वो अटेंड करी है। उस टाइम में बढ़िया चलता था, यानी उसमें आए थे श्रीलंका के भी लोग आए थे काफी, भूटान से भी आए थे, नेपाल से भी आए थे, ठीक है ना, बांग्लादेश से भी आए थे, आए थे लोग आए थे, इवन उनके साथ मैं घुमा भी हूँ, मेरी फोटोज है फेसबुक पर देखना। लेकिन अब इसका इतना पर्पज नहीं रहा क्योंकि श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान तो पता ही है, अफगानिस्तान भी ऑलमोस्ट खत्म नेक्स्ट है, ठीक है अफगानिस्तान इज गुड कंट्री बट अब तालिबान के हाथ पे चली गई। तो इसीलिए अब ये ऑर्गेनाइजेशन का इतना पर्पज प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं रहा है। ये बनी कब है, ये बनी थी 1985 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है काठमांडू में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, काठमांडू में। और 1987 में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, तो मतलब सेक्रेटरेट बोला जाता है उसको, सेक्रेटरेट मतलब होता है हेडक्वार्टर, सेक्रेटरेट मतलब होता है हेडक्वार्टर। तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 बन जाते हैं। कब बना, 1985 में, कितने मेंबर्स है, 8। हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू में। कब बना हेडक्वार्टर, 1987 में। फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन पहले पैराग्राफ में से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा जो पैराग्राफ है वो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है, सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो हमने एशियन में पढ़े वही वही चीजें घुमा फिरा के यहाँ पे भी लिख के दी हुई है कि भाई हम एक दूसरे की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देंगे, एक्सीलरेट करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के कल्चरल डेवलपमेंट में पार्ट लेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे की कंट्री के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे काम करेंगे, एक दूसरे की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे, वही वही बातें। ऑब्जेक्टिव तो हर ग्रुप के घुमा फिरा के वही है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे की कंट्री के लॉस की इज्जत करेंगे, जबकि ये करती नहीं है इसमें, ऐसा होता नहीं है ये इसमें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, कल्चर शेयर करेंगे, कल्चरल इवेंट, उनका कल्चर हमारे साथ, हमारा कल्चर उनके साथ शेयर करेंगे, मिलकर डेवलप होंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, रहता तो सबका वही इंटेंशन। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला जो पैराग्राफ है इसमें से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव वाले पैराग्राफ में से आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दिस पैराग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आता है सार्क से, इसी में से आएगा, सार्क के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में से आएगा अगर आता है, ठीक है ना, यस और नो। बाकी अब देखो इसमें 2020 में एक हुई थी मीटिंग, बट उसका कोई इतना पर्पज नहीं है, ठीक है ना, इसकी सेक्रेटरेट का भी नाम इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सार्क में से अगर आता है तो फर्स्ट पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनता है, उसके अलावा नहीं बनता है, ठीक है। ये बहुत डाउट आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क होता है, मैं बता देता हूँ। वैसे ये लीगल एप्टीट्यूड में आप पढ़ोगे ज्यादा डिटेल में, बट इतना डिटेल में अभी मैं बताता नहीं हूँ। बेटा प्राइवेट कंपनीज, अगर आपने लीगल एप्टीट्यूड, हम चाह के भी आम जनता से, पब्लिक से उसमें पैसा नहीं ले सकते क्योंकि दैट इज अ प्राइवेट कंपनी, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जहां पे आम जनता ने अपना पैसा लगाया हुआ है, शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का मतलब हो गया जिसमें पब्लिक कंपनी भी आ गई और प्राइवेट कंपनी भी आ गई, क्योंकि दो सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, जिसकी मालिक गवर्नमेंट है। प्राइवेट सेक्टर मतलब ऐसी कंपनी जिसकी मालिक पब्लिक, आम पब्लिक है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी आती है। बहुत डाउट आ रहे थे इसलिए मैं बता दिया, 4-5 लोगों ने कंटिन्यू डाउट पूछ लिया, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनीज कुछ दोस्त भाई आपस के लोग मिलकर बनाते हैं, पब्लिक कंपनी में जनरल पब्लिक अपना शेयर पैसा इन्वेस्ट करती है, बट अल्टीमेटली दोनों प्राइवेट के हाथ में ही है, प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। क्लियर।
अब पेपर में देखो, ब्रिक्स के अंदर मैं बोलूँ तो ये पांच कंट्रीज मैं बोलूंगा कि आपको याद रखनी है, जो न्यू मेंबर्स ऐड हुई है, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया। चार पांच बार बोलो, याद हो जाएंगी। इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया। तो मैं बोलूंगा क्योंकि ये इस साल ऐड हुई है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मेरे को पर्सनली लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा कि ये आप याद रखेंगे, ये वाला पार्ट आपको याद रखना। क्लियर, समझा यहां तक? प्रॉब्लम ये है कि आज G20 चालू करूंगा ना तो बहुत खिचड़ी हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि G20 अगर अभी चालू करूंगा ना बहुत खिचड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो डिटेल में पढ़ना है। G20 चाह के भी अपन G20 आज चालू नहीं कर पाएंगे, ठीक है? कल करते हैं। चाह के भी अपन G20 आज चालू नहीं कर पाएंगे, आज जल्दी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर चालू करूंगा G20 तो खत्म नहीं होगा और ऊपर से कंफ्यूजन आ जाएगा माइंड में, क्योंकि ऑलरेडी दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ ली हमने। ये दिक्कत है अपने साथ करंट अफेयर में, कि अपने को करंट अफेयर में थोड़ा सोच समझ के देखना पड़ता, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो याद ही नहीं रहेंगी। ठीक है, देखो एक बार मैं ब्रिक रिवाइज करा देता हूँ। ब्रिक के अंदर हमने क्या पढ़े, एक बार मैं ब्रिक रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना? ब्रिक रिवाइज करा देता हूँ। ब्रिक के अंदर हमने पढ़े कि पांच कंट्रीज ने मिलकर वो ब्रिक बनाई थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना? ये ब्रिक कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड का 41% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड का 41% ऑफ द पॉपुलेशन है, 24% ऑफ द GDP है और 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड है। फिर उसके बाद हमने देखे कि इंडिया में ब्रिक समिट तीन बार हो चुकी है, पहली बार 2012 में, दूसरी बार 2016 में, तीसरी बार 2021 में। 2012 में न्यू दिल्ली में, 2012 में न्यू दिल्ली में, 2016 में गोवा में, और 2021 में अगेन न्यू दिल्ली में हो चुकी है। फिर उसके बाद देखा कि रिसेंट में अभी 2023 में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई थी, 2022 में चाइना में हुई थी, और 2021 में इंडिया में ब्रिक्स समिट हुई थी। ये भी हमने रिसेंट में जो चीजें हुई है वो देखी। उसके बाद हमने देखा कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक के अंदर और पांच कंट्रीज ऐड हुई है, मतलब ब्रिक्स ने अपने अंदर पांच कंट्रीज को वेलकम किया कि तुम भी आओ हमारे मेंबर बन जाओ। वो बेसिकली पांच कंट्रीज को वेलकम किया कि तुम भी आओ आके हमारा क्या बन जाओ, मेंबर बन जाओ। तो इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया। इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, ये पांच कंट्रीज मिलके और ऐड किया गया ब्रिक्स के अंदर। तो बोल सकते हैं कि अब ब्रिक्स के अंदर 10 कंट्रीज क्या हो गई है, मेंबर हो गई है। फिर हमने उसके बाद देखे कि सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क बेसिकली जो वर्ल्ड के अंदर साउथ एशिया, जैसे इंडिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, ये आता है साउथ एशिया में। वर्ल्ड के अंदर जो साउथ एशिया वाला पार्ट है ना, वहां पे आता है। तो साउथ एशिया के जो कंट्रीज आसपास वाली, आसपास पड़ोसी है, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए थे। कब बनाए थे? 1985 में, 8th of December 1985 में, बाय साइनिंग द सार्क चार्टर इन ढाका। ढाका में, ढाका विच इज इन बांग्लादेश, वहां पे इनका एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम मिलके ग्रुप बना के आगे मिलके काम करेंगे, ठीक है ना? और 1987 में फिर काठमांडू नेपाल में, काठमांडू विच इज इन नेपाल, वहां पे इनका हेडक्वार्टर क्या करा गया, बनाया गया, ठीक है? यस और नो? बट आज की तारीख में ये सार्क का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा नहीं। तो सिंपल रीजन ये है क्योंकि अब सार्क के अंदर जितनी कंट्रीज आप देख रहे हो, वो सार्क के अंदर जो कंट्रीज, उसमें से आधी कंट्रीज ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ एक इंडिया और नेपाल, भूटान को छोड़ दूं मैं, तो बाकी कंट्रीज मतलब बची ही नहीं है। दादा पेपर में 10 कंट्रीज ही बोलेंगे अगर पेपर में आता है तो, इस बार दीपराम प्रजापति, कॉमन सेंस की बात है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो एक बार, फिर आगे बात करते। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो एक बार, कोई भी आपको डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। सर, ब्रिक्स में जो न्यू कंट्रीज ऐड हुए हैं, क्या ब्रिक्स का नाम चेंज कर दिया जाएगा? देखो अभी तक ब्रिक्स का नाम चेंज करने के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, ठीक है ना? क्योंकि स्पेसिफिकली ब्रिक्स कंट्रीज ने उनको एड ऑन किया था, मेरे को लगता नहीं कि नाम चेंज होगा। तो अभी तक उसके ऊपर नाम चेंज की अनाउंसमेंट नहीं आई है, तो ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स ही रहेगा अभी, ठीक है ना? अभी क्या फिर वो नाम क्या बनाएंगे, नाम देशों के नाम के ऊपर रखेंगे, तो अभी तो चांसेस नहीं है। बट ऐसा कोई अनाउंसमेंट अभी ब्रिक्स वालों ने नहीं किए। कॉर्पोरेशन मतलब कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सपोर्ट। कुमुदिनी नाम है आपका जो, कॉर्पोरेशन मतलब सपोर्ट, कॉर्पोरेशन मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ईयर डेट, ये जैसे आपको ये डेट पूरी याद रखनी है, 8th of December 1985, या 1985 भी याद रख लिया तो चलेगा, बट पूरी याद रखते तो बहुत अच्छा है। 1987 पूरा डेट याद रखोगे तो बहुत अच्छा है। जो जो क्योंकि सारी डेट्स याद नहीं करवा रहा हूँ, कुछ को डेट्स मैं खुद ही याद करवा दे रहा हूँ, वो याद रखनी है। हाँ, ये बताना रहेगा कि ब्रिक्स का हेड ऑफिस जो है वो शंघाई चाइना में, ये लिख लो एक चीज, ये बताना रहेगा। ब्रिक्स का जो हेड ऑफिस है, ब्रिक्स का जो हेड ऑफिस है
वो शंघाई चाइना में, ब्रिक्स का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पे, शंघाई चाइना में। शंघाई एक शहर का नाम है चाइना में। क्लियर, कोई डाउट है और पूछ लो बेटा। पांच ही कंट्री ऐड हुई है मेरे हिसाब से, अर्जेंटीना भी बोल रहा है बच्चा, मैं चेक कर लूंगा एक बार, बट मेरे हिसाब से पांच ही कंट्रीज अभी ऐड हुई है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा, बट क्योंकि मेरे हिसाब से पांच ही, मेरे को जितने नॉलेज में न्यूज में है पांच कंट्रीज ही ऐड हुई है, या होने वाली होंगी, अभी हुई नहीं होंगी, अर्जेंटीना हो सकता है। चलिए मिलते हैं फिर, आज यहीं पे रोकते हैं, कल G20 पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कल G20 पढ़ेंगे, मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।